नौवें दिन हिंदुस्तानियों का धरना जारी। आज धरने में जामिया की बेटियों ने किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में तानाशाह सरकार का थोपा गया CAA व NRC का विरोध प्रदर्शन आज नौवें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठी हिंदुस्तानी महिलाएं एक कदम पीछे हटने को राजी नहीं हैं। आज संभल के हिंदुस्तानियों के समर्थन में हिंदुस्तानी बेटियां जामिया से संभल पहुंची और जमकर तानाशाह सरकार पर बरसी। आपको बताते चलें कि तानाशाहों ने दो बार हिंदुस्तानी बेटियों व महिलाओं पर गोली भी चलवाई, फिर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हिंदुस्तानी महिलाएं एक कदम पीछे नहीं हटीं। यह वो हिंदुस्तानी हैं जिनके बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को अपना खून पिलाया और आज़ाद कराया था। जब दुश्मन बाहर का था, आज दुश्मन अपने ही घर में। फिलहाल तानाशाही के चलते देश आज दुनिया भर में शर्मिंदा हो रहा है। चांदा मिर्जा इस्लामा से आई हूँ सर। हमें अपने संविधान को बचाना है, जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है उसको हमें निकालना। अम्बेडकर जी ने बहुत मेहनत से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं चाहेंगे। और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के साथ क्यों आप ऐसा कर रहे हो? ये कि CAA आप लेकर आ रहे हो, तो पहले आप सिर्फ आप जो पहले अपने बच्चों के लिए आप देख लीजिए। यहाँ पे जो लोग हैं, लोग परेशान हैं, उनके लिए आप देख लीजिए। लोगों के पास प्रॉपर जॉब्स नहीं है, आपको उनका ख्याल नहीं है, लेकिन आप दूसरी कंट्री से आप लेकर आ रहे हो। जैसे अमित शाह कह रहे हैं नहीं हटाने करें सर, वो कुछ भी कर लें हमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मोदी जी भी कुछ और बोल रहे हैं, वो भी सोचने की बात करते हैं। तो सर हम भी लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, हम भी हटेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे? उसके विरोध में हम आज समर्थन देने के लिए आए हैं। ये जो काला कानून है, ये इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं और धरना यहाँ पर दिया जा रहा है दूसरा टाइम बाद। आप लोग बैठ जाइए, शामियाज से मेरी दरख्वास्त है कि बैठे रहें। अभी नमाज होगी, हमारे अभी नमाज होगी, बाद में आप बैठे रहिए। खवातीन और हजरात ऑडिटोरियम में तशरीफ रखें। बिला जब तक ये बिला ताकि नमाज होगी आप लोग बैठ जाइए प्लीज। धरना प्रदर्शन सिर्फ 10 मिनट के लिए, अभी अजान हो रही है। ये जो गुंडी गैरी सरकार है जिसने अपनी आंखें और कान और मुंह बंद कर रखे हैं, तो आप सामिया से दरख्वास्त है कि आप लोग बैठ जाएं प्लीज। नहीं सुनोगे जब तक आपके कानों में 10 मिनट नहीं पहुँच जाती, हमारी मांगे आपके कानों तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम बराबर जद्दोजहद करते रहेंगे सड़कों पर और इसी तरह से हम धरने करते रहेंगे। आप एक इंच नहीं हटेंगे, हम भी आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी ये कोशिश है कि ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है और इसने हर कदम पे जनता को धोखा दिया है। अब जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है, ये धरने ये प्रदर्शन अकेले मुस्लिम समाज के नहीं है, इसमें सारे समाज के हिंदू मुसलमान समझकर जिसको चिराग रोशनी में लाया था, सभी लोग बराबर इसमें समझकर जिसको चिराग रोशनी में लाया था, मालूम नहीं था कि वो किस तरीके से आया था। मेरी मुराद है कौशल प्रजापति जी से जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, आए और अपने विचार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर समाज तो मरना